और उधर बिलासपुर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों की दीवानगी देखने को मिल रही है। सरकारी गैर सरकारी के अलावा आम लोगों में भी तिरंगा फहराने का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। यही वजह है कि झंडे को खरीदने डाकघरों में देश प्रेमियों की होड़ मची हुई है और तिरंगे की डिमांड इतनी ज्यादा है कि डाक विभाग पूर्ति तक नहीं कर पा रहा। बिलासपुर में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जज्बा इस कदर है कि एक दिन में ही यहां 15,000 झंडे बिक चुके हैं। लोगों की भीड़ और राष्ट्रध्वज की मांग को देखते हुए डाक विभाग 40,000 और तिरंगे मंगा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय संस्थानों के अलावा राज्य सरकार को राष्ट्रध्वज की आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत बिलासपुर के डाकघरों में तिरंगे की बिक्री हो रही है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के निर्देश पर 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। हमारे पास अभी तक कुल 15,000 तिरंगा प्राप्त हो चुका है और वो भी 15,000 तिरंगा बिक चुका है और लगभग हम लोगों को और 40,000 तिरंगा की मांग हम लोग भेजे हैं। एनटीपीसी को 20,000 चाहिए और कमिश्नर ऑफिस को 1,000, ऐसा करके अलग अलग जगह से मांग है। मांग हम लोग भेज दिए हैं, जैसे आएगा 3-4 रोज में सप्लाई हो जाएगा। देश की आन बान और शान तिरंगे को लेकर डाकघरों में देश प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग एक दो की जगह 5-5 झंडे लेकर जा रहे हैं। पहले मेरे मन में एक ऐसी धारणा थी कि ये राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ शासकीय इमारतों पर शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा या नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा ही फहराया जाता है। अब हमने ये जाना कि इसको हम अपने घरों पर, छतों पर फहरा सकते हैं, बस इसका सम्मान होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से जो राष्ट्रीय ध्वज को पोस्ट ऑफिस के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसके पहले जितनी भी सरकारें आई गई आज तक इस प्रकार की पहल किसी ने भी नहीं की। ये बहुत ही सुंदर कार्य है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार का कार्य होते रहेंगे। डाकघरों में उमड़ी ये भीड़ बताती है कि आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने को देश पूरी तरह तैयार है। बिलासपुर में हर आदमी अपने घर तिरंगा फहराने को बेताब है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।